देखो इस साल यानी 2022 में टाटा के पेट्रोल और डीजल कारों ने काफी ज्यादा धूम मचाई है, लेकिन इन कारों के अलावा टाटा की इलेक्ट्रिक कार भी काफी ज्यादा बिकी है। नेक्सॉन ईवी इंडिया की मोस्ट सेलिंग ईवी कार भी बन चुकी है। लेकिन 2023 में यानी अगले साल टाटा लगभग 6 न्यू इलेक्ट्रिक कारों को इंडिया में लॉन्च करेगी और इन 6 इलेक्ट्रिक कारों में से 4 इलेक्ट्रिक कारों को ऑलरेडी इंडियन मार्केट में रिवील किया गया है, यानी इनके प्राइजेस आने बाकी है और कुछ फीचर्स को रिवील करना बाकी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं टाटा के अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको अगले साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है। जो सबसे पहली कार आती है जो कि एक कूपे स्टाइल एसयूवी कार होने वाली है वो है टाटा की कर्व। टाटा कंपनी ने इस कार को 6 अप्रैल 2022 को रिवील कर दिया था, यानी इससे पर्दा हटा दिया था और ये एक कॉन्सेप्ट मॉडल था। लेकिन जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा, उसके अंदर टाटा बहुत सारे चेंजेस कर सकती है एक्सटीरियर में, जैसे कि इसका लाइटिंग सेटअप का डिजाइन थोड़ा सा अलग हो सकता है। इसके अलावा इसके फ्रंट के बंपर्स रियर के बंपर्स का डिजाइन थोड़ा सा अपडेट किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस कार के इंटीरियर में काफी ज्यादा चेंजेस करे जाएंगे, यानी इंटीरियर थोड़ा सा अलग रहेगा और ये जो कॉन्सेप्ट मॉडल था इसका इंटीरियर थोड़ा सा अलग रखा गया था। इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको मिलेगी 50 किलोवाट और बैटरी बैकअप का ऑप्शन, जिसके तहत आपको लगभग 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। यानी एक सिंगल चार्ज में टाटा की ये कूपे एसयूवी कार लगभग 500 किलोमीटर के ऊपर चलेगी। हालांकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाएगा। इस कार के अंदर अलग अलग चार्जिंग ऑप्शन दिए जाएंगे, यानी टाटा की कर्व सपोर्ट करेगी फास्ट चार्जिंग को, तो ये भी काफी बढ़िया बात है और इसको शायद अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। यानी इसकी जो प्राइसिंग रहेगी, इसका जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहेगा वो नेक्स्ट मंथ इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है और इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 10 या फिर 12 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। लेकिन अगर इस कार के अंदर बड़ी बैटरी का यूज किया जाता है, प्रीमियम फीचर्स को इंक्लूड किया जाता है, तो इस कार की कीमत 15 या फिर 20 लाख रुपए से भी शुरू हो सकती है। आपको क्या लगता है इस खूबसूरत कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है, इसका भी कॉन्सेप्ट मॉडल इंडिया में ऑलरेडी रिवील हो चुका है, वो है टाटा की अवेन्या। 29 अप्रैल को टाटा ने इसको रिवील कर दिया था और यहाँ पर कंफर्म कर दिया था कि टाटा बहुत जल्दी अवेन्या इस इलेक्ट्रिक कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको बताना चाहूंगा, अवेन्या ये नाम संस्कृत से डिराइव किया गया है और अवेन्या का मतलब होता है इनोवेशन। तो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव नाम रखा है टाटा ने इस इलेक्ट्रिक कार का। लेकिन इसका जो एक्सटीरियर लुक है ये थोड़ा सा एसयूवी कार की तरह लगता है और इसका जो प्रोडक्शन रेडी मॉडल रहेगा वो तो कम्प्लीटली अलग ही रहने वाला है। लेकिन इस कार के अंदर 2 या फिर 3 बैटरी बैकअप का ऑप्शन टाटा कंपनी ऑफर कर सकती है, जिसके तहत आपको अलग अलग रेंज मिलने वाली है। यानी इस कार के अंदर अगर 30 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का यूज किया जाता है तो वहां पर आपको लगभग 400 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। अगर 40 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का इस्तेमाल इस कार के अंदर किया जाता है तो वहां पर आपको लगभग 500 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है इस कार के अंदर। तो डेफिनेटली टाटा की ये कार आने वाले समय में इंडियन मार्केट में तबाही सी मचा देगी। लेकिन ये सब कुछ चीजें डिपेंड करती है इसके प्रोडक्शन रेडी मॉडल के ऊपर, यानी इसका प्रोडक्शन रेडी मॉडल कैसा रहता है, उसके इंटीरियर में क्या क्या चीजें टाटा ऑफर करती है, एक्सटीरियर लुक कैसा रहता है, इसके अंदर कौन से बैटरी बैकअप का यूज किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी कीमत कितनी होती है, इन सभी चीजों के ऊपर इस कार का फ्यूचर डिपेंड करेगा। लेकिन टाटा इस कार को बॉर्न इलेक्ट्रिक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप करेगी। हालांकि टाटा इस कार के अंदर जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली है और जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म के तहत बहुत सारे इलेक्ट्रिक कारों को टाटा की तरफ से इंडियन मार्केट में डेवलप किया जाएगा। तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया बात है, मतलब ईवी कारों के लिए टाटा ने एक कंप्लीटली नया प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाटा अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों को बिल्डअप करने वाली है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेन्या को भी बिल्डअप किया जाएगा। और इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 15 या फिर 16 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, लेकिन इस कार की कीमत और भी ज्यादा बढ़ सकती है अगर टाटा कंपनी इसके अंदर बड़ी बैटरी बैकअप का यूज करती है या फिर थोड़े से एडवांस लेवल के फीचर देती है। खैर, जो थर्ड नंबर की कार आती है जो कि आने के बाद डेफिनेटली तबाही से मचाने वाली है, वो है सियेरा। टाटा सियेरा का न्यू जनरेशन मॉडल इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है और इसका कॉन्सेप्ट मॉडल 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। टाटा इसको 2021 में लॉन्च करने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से इस कार का लॉन्च काफी ज्यादा डिले हो चुका है। शायद अगले साल टाटा सियेरा को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दे। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, टाटा की सियेरा अब आपको कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक फॉर्मेट के अंदर देखने को मिल जाएगी। जो प्रीवियसली मॉडल था, यानी जो 90s के दशक में सियेरा इंडियन मार्केट में आती थी, वो आती थी पेट्रोल इंजन के साथ। लेकिन जो अपकमिंग सियेरा रहेगी वो आएगी बैटरी बैकअप के साथ, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। अपकमिंग सियेरा का एक्सटीरियर लुक आप देख सकते हैं, इसका साइड का प्रोफाइल काफी ज्यादा आइडेंटिकल था एज कम्पेयर टू ओल्ड सियेरा, लेकिन फ्रंट का फीचर और रियर का फीचर थोड़ा सा न्यू डिजाइन किया है टाटा ने। जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा, उसके अंदर टाटा काफी ज्यादा चेंजेस कर सकती है। आपको नया लाइटिंग सेटअप देखने को मिल जाएगा,
या काफ़ी नई चीज़ें इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में टाटा कंपनी ऑफर कर सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये कार एक सिंगल चार्ज में लगभग 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है और इसकी कीमत 15 या फिर 20 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। यहाँ पर भी वही चीज़ अप्लाई होती है, बैटरी, इसके अलावा फीचर्स। आपको क्या लगता है टाटा की सियारा की कीमत कितनी होनी चाहिए, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और इस कार को अगले महीने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है या फिर मार्च 2023 तक इसको टाटा की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन जो फोर्थ नंबर की ईवी कार है जो कि आने के बाद डेफिनेटली तबाही सी मचा देगी, वो है ईविजन। टाटा ने ईविजन को 2018 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। अब शायद अगले साल टाटा ईविजन को इंडियन मार्केट में उतार सकती है। टाटा की ईविजन प्रीमियम सेगमेंट की सीडान कार होने वाली है, यानी लग्जरी सेगमेंट की इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, जैसे कि बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, उस सेगमेंट के अंदर टाटा इस कार को उतार सकती है। शायद इस कार की कीमत 30 या फिर 35 लाख रुपए से शुरू हो सकती है, लेकिन इस कार को प्रीमियम लग्जरी सीडान सेगमेंट के अंदर उतारा जाएगा टाटा की तरफ से। इस कार के अंदर आपको काफी प्रीमियम लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और भाई इस कार का लुक जबरदस्त रहने वाला है। यह कार एक सिंगल चार्ज में 1000 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। ये एक्सपेक्टेड रेंज बताई जा रही है क्योंकि ये एक प्रीमियम सेगमेंट की सीडान कार होने वाली है, तो उसकी वजह से इसके अंदर बड़ी बैटरी बैकअप का यूज किया जाएगा और डेफिनेटली भाई ये प्रीमियम सेगमेंट के अंदर आग ही लगा देगी। लेकिन इस कार की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। लेकिन जो फिफ्थ और सिक्स नंबर की कार आती है, इनका भी इलेक्ट्रिक मॉडल बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, वो है टाटा पंच ईवी और दूसरी है अल्ट्रोज ईवी। टाटा पंच एक माइक्रो एसयूवी कार है जो कि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है टाटा के लिए, और टाटा की अल्ट्रोज एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और इसको भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल जाता है। टाटा पंच के अंदर टियागो ईवी वाला बैटरी बैकअप और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके तहत आपको लगभग 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। और अल्ट्रोज ईवी के अंदर नेक्सॉन ईवी वाला बैटरी बैकअप और इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया जाएगा, जिसके तहत आपको 400 के ऊपर रेंज मिलने वाली है और इलेक्ट्रिक मॉडल्स की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी। तो ये 6 कारें थी जिनको टाटा की तरफ से अगले साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है। शायद इनके लॉन्चिंग में डीले भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इनके लॉन्चिंग में काफी ज्यादा डीले हो चुका है और यहाँ पर टाटा ने 2018 में ईविजन को रिवील कर दिया था, उसके बाद 2020 के ऑटो एक्सपो में सियारा को रिवील कर दिया था और इसी साल कर्व और अविन्या इस कार को रिवील कर दिया था। शायद इनमें से कुछ कारों को जल्दी भी लॉन्च किया जा सकता है और कुछ कारों के लॉन्चिंग में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। ये सब कुछ चीजें टाटा के ऊपर डिपेंड करती है। और आपको टाटा की कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।